जैन साथियों, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाली अभ्यर्थियों के लिए आप खुशखबरी मान सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, उनको मैं बता दूं, वो विश्वास करेंगे इस बात का, क्योंकि आपकी वैकेंसियां निश्चित ही आने वाली हैं। किस आधार पर बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, और उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे आपका स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि किस आधार पर आपकी वैकेंसी आने वाली हैं और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट या फिर आपकी क्या तैयारी रहनी चाहिए, वो पूरे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपकी 12th पास होनी चाहिए। इसमें आपकी परसेंटेज नहीं मांगते हैं, केवल 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो मेल कैंडिडेट रहेंगे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका LMV लाइट मोटर व्हीकल्स का होना चाहिए। वैसे तो आपको आम तौर पर आम जिंदगी में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप 18 साल के हो गए तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई बाइक चलाता है, तो आपको लाइसेंस अभी से डाल देना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी मन है दिल्ली पुलिस की तैयारी करने का या फिर सेलेक्ट होने का, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस अभी से बनवा लेना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पिछली भर्ती में कम से कम 200 से 400 कैंडिडेट केवल लाइसेंस के ऊपर बाहर कर दिए गए थे। आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज आपकी 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, SC ST से हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे इसके रिटर्न एग्ज़ाम की, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग है सिलेक्शन का, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है। तो उसके लिए आपको रिटर्न एग्ज़ाम का आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है। उसके लिए आपके लिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 25 नंबर के होते हैं। GK पूछी जाती है, करंट अफेयर पूछा जाता है, जो कि आपके प्रश्न होते हैं 50 नंबर के होते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसे आप मैथ कह सकते हैं, मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं मात्र, जो कि आपके 15 नंबर के रहेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगी आपकी, जिसके 10 प्रश्न रहेंगे आपके, जो कि आपके 10 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 100, जो कि 100 नंबर के होते हैं। आपके इसके टाइम की बात करें, इसको हल करने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है, अर्थात कह सकते हैं 90 मिनट का समय मिलता है केवल। इसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट देख लें तो मेल के लिए हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल का चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 आपका बिना फ्लाप के और फ्लाप के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। रेस की बात करें, 1600 मीटर रेस आपको 6 मिनट में पूरी करनी होती है, और लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करनी होती है। हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच आपकी हाइट होती है हाई जंप की, जो कि आपको 3 बार का चांस मिलता है, जो कि आपको 3 बार में क्वालिफाई करनी होती है। मेल के बाद बात करेंगे आपकी फ़ीमेल की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए रेस 1600 मीटर आपको 8 मिनट में पूरी करनी होती है। लॉन्ग जंप देखें, महिलाओं के लिए 10 फीट होती है और हाई जंप आपकी 3 फीट रहती है, उनको भी 3 चांस मिलते हैं पास करने के लिए। ये आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप केवल क्वालिफाइंग होती है। अब बात करें भर्ती किस आधार पर आ रही है। आपका MOU पहले ही साइन हो चुका है। MOU साइन होने का मतलब होता है आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस और SSC के बीच में आपका MOU साइन हो चुका है। तो MOU के बाद कौन कौन सी वैकेंसियाँ आएंगी SSC के थ्रू दिल्ली पुलिस की, वो बात करें, जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है उसकी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल AWA और MTS सिविलियंस की वैकेंसी जो कि दिल्ली पुलिस में होती हैं, वो सभी आपकी SSC कराएगी। तो इससे आपका क्लियर होता है कि MOU साइन हो गया है तो भर्तियाँ आपकी SSC ही कराएगी। RTI की बात करें, आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। RTI की बात करें, इसमें आपके 5512 पदों की बात हुई है कांस्टेबल की, जो कि आपकी पद खाली हैं दिल्ली पुलिस में। तो जाहिर सी बात है, अगर इतने पद नहीं आते हैं, क्योंकि खाली जितने पद होते हैं उतने पदों पर वैकेंसी आना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 5000 प्लस आपकी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। हो सकता है अगर भर्ती थोड़ी लेट हो जाए तो आपकी वैकेंसियाँ बढ़ सकती हैं। तो आपकी सितंबर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई थी। अगर आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो आपको 2025 की जो कि भर्तियाँ होने वाली हैं उनमें आपको सबसे पहले दिल्ली पुलिस की भर्ती देखने को मिल सकती है, जो कि आपका जनवरी और फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपका कर्तव्य इस समय ये बनता है कि आपके पास जनवरी और फरवरी तक आपके पास 5 माह का समय है, तो इस समय आपको सबसे पहले अपना मेल कैंडिडेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें और अपना तैयारी में जुट जाएं, अभी से अपना सिलेबस कंप्लीट करें।
जब आपका वैकेंसी आ जाए और आपके नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आपका केवल बनता है कि आप नोटिफिकेशन को पढ़ें और उसका सिलेबस को रिवीजन करें, साथ ही साथ उसके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, अपने स्कोर को बढ़ाएं, तो ये आपका तैयारी हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं साथियों, जैसे ही वैकेंसी आती है और नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।